आखिर साबुन का झाग हमेशा सफेद ही क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावेश और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट बिगिंस में। आज की इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि आखिर साबुन का झाग हमेशा सफेद ही क्यों होता है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार बरसा दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो फ्रेंड्स, हियर द फैक्ट बिगिंस। साबुन चाहे किसी भी कलर का हो, लेकिन झाग हमेशा सफेद ही होता है। इसका मुख्य कारण तो यह है कि किसी भी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता है। उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो बाकी रंगों को सोख कर जिस रंग को परिवर्तित करती है वही उसका रंग होता है। यही नियम है कि जब कोई वस्तु सभी रंगों को सोख लेती है तो वो काली और सभी रंगों को परिवर्तित करती है और सफेद दिखाई देती है। साबुन के झाग का सफेद दिखने का यही कारण है। झाग कोई ठोस पदार्थ नहीं होता है। इसकी सबसे छोटी इकाई पानी, हवा और साबुन से मिलकर बनी एक पतली फिल्म होती है। यह पतली फिल्म जब गोल आकार ले लेती है तो हम इसे बुलबुला कहते हैं। दरअसल साबुन का झाग बहुत सारे छोटे बुलबुलों का समूह होता है। साबुन के एक बुलबुले में घुसते ही प्रकाश किरणें अलग अलग दिशा में परिवर्तित होने लगती है, अर्थात उसके अंदर प्रकाश किरणें किसी एक दिशा में जाने के बजाय अलग अलग दिशा में बिखर जाती है। यही कारण है कि साबुन का एक बड़ा बुलबुला हमें पारदर्शी सतरंगी फिल्म जैसा दिखाई देता है। यदि ऐसे किसी बुलबुले में प्रकाश किरणें एक ही दिशा में लौटती है तो यह कागज की तरह सफेद दिखाई देता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो कि आखिर साबुन का झाग सफेद ही क्यों होता है इसके बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आशा करता हूँ कि आपको नई जानकारी भी जरूर मिली होगी। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से फैक्ट के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।